जय हिंद। इस वीडियो में हम अपकमिंग फेसलिफ्टेड मारुति सुजुकी बलेनो के वेरिएंट्स का कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि इसके किस वेरिएंट में हमें कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं। इसके साथ साथ इसका एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट क्या है और इसके अलावा इसके वेरिएंट्स का एक्सपेक्टेड सिविल प्राइस क्या रहेगा और CSD में इसका क्या प्राइस रहेगा और ये CSD में कब तक लिस्टेड हो जाएगी। इसके अलावा ये भी देखेंगे कि किस वेरिएंट को आप किस रैंक पर ले पाओगे। तो ये सारी डिटेल्स इस एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं अपकमिंग मारुति सुजुकी बलेनो का डिटेल्ड वेरिएंट्स कंपैरिजन। पर उससे पहले CSD में अवेलेबल कार्स एंड बाइक्स के हर महीने के अपडेटेड CSD प्राइसेस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए या फिर कार्स से रिलेटेड अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे पहले न्यू बलेनो के डायमेंशंस की बात करें तो इसमें आपको 3990 mm की लेंथ, 1745 mm की विड्थ और 1500 mm की हाइट मिलेगी। इसमें 2520 mm का व्हील बेस और 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है। न्यू बलेनो में आपको 318 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाएगा। न्यू बलेनो में 1.2 लीटर ड्यूल जेट इंजन दिया गया है जो कि 1197 cc फोर सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, जिसमें 90 bhp की मैक्सिमम पावर और 113 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क मिलता है। ये आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ 5 स्पीड AMT टाइप ऑटोमेटिक के साथ भी मिलेगी। मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 22.35 किलोमीटर पर लीटर और AMT के साथ 22.94 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिल जाएगी। न्यू बलेनो टोटल 4 वेरिएंट्स में अवेलेबल होगी। बेस वेरिएंट होगा सिग्मा, मिड वेरिएंट डेल्टा एंड जेटा एंड टॉप वेरिएंट अल्फा होगा। न्यू बलेनो टोटल 6 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल होगी। ये 6 कलर ऑप्शंस हैं ब्लू, व्हाइट, बेज, सिल्वर, रेड एंड ग्रे। सबसे पहले बलेनो के बेस वेरिएंट सिग्मा की बात करें तो इसमें आपको हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, 15 इंच स्टील व्हील्स, रियर डिफोगर एंड LED टेल लैम्प्स मिल जाएंगे। और इसके अलावा सिग्मा वेरिएंट में आपको फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज, ऑटोमेटिक AC एंड टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा। अभी आप बलेनो के सिग्मा वेरिएंट में मिलने वाले फीचर्स की कंप्लीट लिस्ट देख सकते हैं। तो बलेनो के बेस वेरिएंट में ये सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। न्यू बलेनो सिग्मा वेरिएंट के फीचर्स को अगर करंट बलेनो के सिग्मा वेरिएंट के फीचर्स से कंपेयर करते हैं तो न्यू बलेनो में काफ़ी फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं, जैसे हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हो गए या फिर ऑल पावर विंडोज भी आपको मिल जाएंगे, LED टेल लैम्प्स। तो यानी न्यू बलेनो सिग्मा वेरिएंट में भी आपको काफ़ी फीचर्स मिल जाएंगे। अब अगर बलेनो सिग्मा वेरिएंट के कंपैरिजन में डेल्टा वेरिएंट में मिलने वाले एडिशनल फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVMs मिल जाएंगे। इसके अलावा इसमें आपको टर्न इंडिकेटर्स भी ORVM पे मिलेंगे और आपको फुल व्हील कवर्स मिल जाएंगे। बलेनो डेल्टा वेरिएंट के इंटीरियर फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको 7 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिलेगा, जिसके साथ में आपको 4 स्पीकर्स भी मिलेंगे और साथ में स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी मिल जाएंगे। अभी आप बलेनो डेल्टा वेरिएंट के उन सभी एडिशनल फीचर्स की कंप्लीट लिस्ट देख सकते हैं जो आपको बलेनो सिग्मा वेरिएंट में नहीं मिलते। बलेनो के डेल्टा वेरिएंट में बेसिक रिक्वायरमेंट के सभी फीचर्स मिल जाते हैं। और न्यू बलेनो में एक और बढ़िया चीज़ की गई है कि इसके किसी भी वेरिएंट में आपको नॉन टच म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलेगा। इसके सिग्मा वेरिएंट में तो कोई भी म्यूजिक सिस्टम नहीं है और डेल्टा वेरिएंट से आपको डायरेक्ट टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलना शुरू हो जाता है। अब अगर बलेनो डेल्टा वेरिएंट के कंपैरिजन में बलेनो जेटा वेरिएंट में मिलने वाले एडिशनल फीचर्स की बात करें तो बलेनो जेटा वेरिएंट में आपको टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल स्टीयरिंग, साइड एंड कर्टेन एयरबैग्स। आपको बलेनो के जो बेस वेरिएंट थे उसमें आपको केवल फ्रंट एयरबैग्स मिल रहे थे, बट इसमें आपको साइड एंड कर्टेन एयरबैग्स भी मिलेंगे, यानी टोटल आपको 6 एयरबैग्स मिल जाएंगे। इसके अलावा एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट, रिवर्स पार्किंग कैमरा, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, 60-40 स्प्लिट रियर सीट, फ्रंट आर्मरेस्ट एंड 16 इंच अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। अभी आप बलेनो जेटा वेरिएंट के उन सभी फीचर्स की कंप्लीट लिस्ट देख सकते हैं जो आपको बलेनो डेल्टा वेरिएंट में नहीं मिलते। तो बलेनो डेल्टा वेरिएंट के कंपैरिजन में बलेनो जेटा वेरिएंट में मिलने वाले फीचर्स की लिस्ट काफ़ी लंबी है। तो जिन लोगों को बेसिक रिक्वायरमेंट के फीचर के साथ साथ कुछ मॉडर्न डे फीचर्स भी चाहिए तो वो बलेनो का जेटा वेरिएंट ले सकते हैं।
अब अगर ब्लेनो जेटा वेरिएंट के कंपैरिजन में ब्लेनो अल्फा वेरिएंट में मिलने वाले एडिशनल फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको एलईडी डीआरएल्स, हेडअप डिस्प्ले, 9 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। ब्लेनो जेटा वेरिएंट में आपको 7 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा था, बट इसमें आपको 9 इंच का मिलेगा। इसके अलावा R16 ड्यूल टोन अलॉय व्हील्स, आपको ब्लेनो जेटा वेरिएंट में अलॉय व्हील्स तो मिल रहे थे बट वो सिंगल टोन थे, और आपको अल्फा वेरिएंट में ड्यूल टोन अलॉय व्हील्स मिलेंगे। इसके अलावा आपको क्रूज कंट्रोल, एलईडी फॉग लैंप्स, यूवी कट ग्लासेस, ऑटो फोल्डिंग ओआरवीएम्स एंड 360 डिग्री पार्किंग कैमरा भी मिल जाएगा। अभी आप ब्लेनो अल्फा वेरिएंट के उन सभी फीचर्स की कंप्लीट लिस्ट देख सकते हैं जो आपको ब्लेनो जेटा वेरिएंट में नहीं मिलते। ब्लेनो अल्फा वेरिएंट की इस फीचर्स लिस्ट में ज़्यादातर मॉडर्न डे फीचर्स हैं, तो जिन लोगों को एक कंप्लीट फीचर पैक्ड कार चाहिए तो वो ब्लेनो का जेटा वेरिएंट को छोड़ के ब्लेनो अल्फा वेरिएंट ले सकते हैं। और अब अगर अपकमिंग फेसलिफ्टेड ब्लेनो के एक्सपेक्टेड प्राइसेज की बात करें तो इसके बेस वेरिएंट सिग्मा का प्राइस अराउंड 6.40 लाख से शुरू होगा, और इसके टॉप वेरिएंट अल्फा एएमटी का प्राइस 9.35 लाख रुपीज़ तक जाएगा। ब्लेनो आपको दो ट्रांसमिशन में मिलेगी, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 5 स्पीड एएमटी टाइप ऑटोमेटिक के साथ भी मिलेगी। जो इसका एएमटी टाइप ऑटोमेटिक है वो आपको डेल्टा वेरिएंट ऑनवर्ड मिलना शुरू होगा। अपकमिंग ब्लेनो के एक्सपेक्टेड सीएसटी प्राइसेज की बात करें तो इसके बेस वेरिएंट सिग्मा मैनुअल ट्रांसमिशन का जो सीएसटी प्राइस है वो 5,55,000, डेल्टा मैनुअल ट्रांसमिशन का 6,10,000, जेटा मैनुअल ट्रांसमिशन का 6,90,000 और अल्फा मैनुअल ट्रांसमिशन का 7,70,000 रुपीज़ सीएसटी प्राइस होगा। और अब अगर ये बात करें कि इसके कौन कौन से वेरिएंट को किस कैटेगरी के लोग सीएसडी से परचेज कर पाएंगे, तो जो इसके बेस टू वेरिएंट्स है सिग्मा एंड डेल्टा, उसको सीएसडी से सभी लोग परचेज कर पाएंगे, यानी ऑफिसर्स, जेसीओज एंड ओआरस, ये बेस टू वेरिएंट सभी लोग परचेज कर पाएंगे। जो जेटा वेरिएंट है उसका एक्सपेक्टेड प्राइस 6,90,000 है। अगर ये 6,90,000 के आसपास ही रहा तो इसको सभी लोग परचेज कर पाएंगे, यानी ये ओआरस की भी लिमिट में आएगा। बट अगर इसका प्राइस थोड़ा सा भी इससे ज़्यादा हुआ, यानी अगर 6,95,000 रुपीज़ भी हो गया, तो ये फिर ओआरस की लिमिट क्रॉस कर जाएगा, यानी फिर इसको ओआरस सीएसडी से परचेज नहीं कर पाएंगे। बट जेसीओ जिसके सभी वेरियंट्स को सीएसडी से परचेज कर पाएंगे। तो ये थी अपकमिंग फेसलिफ्टेड ब्लेनो से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ऐसे ही सीएसडी में अवेलेबल कार्स एंड बाइक्स के हर महीने के अपडेटेड सीएसडी प्राइसेस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए या फिर कार से रिलेटेड अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।